मुझे लगता है ये न्याय प्रणाली सिर्फ उनके लिए है जो ताकतवर हैं। एक सिस्टम बन गया है, ये आरोपी अपने दल के प्रमुख के पास जाएंगे, उनके पैर चाटेंगे, वो दल के प्रमुख इनकी दलाली करेंगे। अब सिर्फ यही हो रहा है, न्याय प्रणाली में अब कुछ नहीं रह गया है। ये शब्द हैं रजनी सिंह के, इंस्पेक्टर, आपको दिवंगत इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी हैं। जो सुबोध कुमार थे वो बुलंदशहर के इंस्पेक्टर थे। पिछले साल 3 दिसंबर को एक तरीके से 400 लोगों की भीड़ ने उनकी हत्या कर दी थी और इसका आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ता और पूर्व के बीजेपी नेता पर लगा था और ये मामला कोर्ट में चल रहा था। और आज उस मामले के दूसरे आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। जी हाँ, ये आरोपी हैं योगेश राज। पहले इनका संबंध आपको बता दें बजरंग दल से रहा है और इससे पहले जिस व्यक्ति को जमानत पहले कोर्ट दे चुका है उनका नाम है शिखर अग्रवाल, वो भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता रह चुके हैं। तो आपको बता दें जो मामला है 3 दिसंबर को किस प्रकार से गोकशी, जो कथित तौर पर उस मामले के बाद कैसे एक भीड़ ने बुलंदशहर के सियाली थाने में एक तरीके से हमला कर दिया था और उस हमले में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की आपको मौत हो गई थी और उसके बाद एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई थी गोली लगने से। 6 से 7 लोग आम लोग घायल हो गए थे, 5-6 पुलिस वाले घायल हो गए थे, 3 गाड़ियों को जलाया गया था। ये हिंसा एक तरीके से मॉब लिंचिंग जैसी घटना थी जहां पर भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया था और उसके बाद लगातार, आपको बता दें जो पिछली बार जो व्यक्ति आपको छूट कराए थे जमानत पर उसका किस प्रकार से बुलंदशहर में स्वागत हुआ था और अब फिर आपको योगेश राज को जमानत मिल गई है, जिसके बाद जो उनकी धर्मपत्नी हैं थी, जो आपको अब विधवा हैं सुबोध कुमार की, वो काफ़ी बिफर गई हैं। उनका कहना है अब कुछ दिन में ये लोग उनको भी आकर जान से मार देंगे, तब ठीक रहेगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, कोई सोचने वाला नहीं रहेगा। आपको बता दें ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था, वहाँ पर जस्टिस सिद्धार्थ ने यह फैसला सुनाया है। दोनों पक्ष के वकीलों की आपको बात सुनी, उसके बाद वहाँ पर जो जज है उन्होंने ये फैसला दिया है। आपको बता दें जो व्यक्ति हैं जो सरकारी जो वकील थे वहाँ पर, उनका कहना था कि इस व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती, इन पर राजद्रोह का मामला चल रहा है। वहीं पर जो योगेश राज के वकील थे उनका कहना था कि मेरे आरोपी पे मेरे जो आपको क्लाइंट है उन पर सारे आरोप झूठे हैं और जो इस मामले में पहले ही एक व्यक्ति को जमानत दे जा चुकी है तो इन्हें भी जमानत मिलना चाहिए और इसे सुनकर कोर्ट ने जमानत दे दी। सुबोध कुमार जी की जो विधवा है रजनी सिंह, उनका यह भी कहना था इन पर NSA अप्रैल के महीने में लगा है और जिन पर NSA लगता है उनको 1 साल से पहले जमानत नहीं मिलती है और इन लोगों को कैसे मात्र आपको 4 महीने के बाद ही जमानत मिल रही है। आपको बता दें ये मामला काफ़ी हाईलाइट में रहा था और उसके बाद राज्य सरकार जागी थी, SIT बनाया था और आपको ADG इंटेलिजेंस को ये मामला दिया गया था कि जल्द से जल्द जाँच हो, साफ आए कौन कौन आपको इसमें आरोपी हैं, कौन कौन लोग इस घटना में आपको सच में जिन्होंने अंजाम दिया है। लेकिन अभी तक जो मामला देखा जा रहा है, जैसे पहले भी आपको लिंचिंग के मामलों में देखा गया है किस प्रकार से आरोपी छूटते जा रहे हैं और उन पर सीधा किस प्रकार से जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके नेताओं पर किस प्रकार से इन्हें शय देने का आरोप लगता है, इस मामले में भी वैसा दिख रहा है। जैसा पहलू खान में राजस्थान में हुआ, वहाँ पर भी सारे आरोपी छूट गए, जहाँ पर पहलू खान की मौत हुई थी। वहीं आप जान रहे झारखंड में किस प्रकार से तबरेज के मामले को भी इस प्रकार से कमज़ोर करने की कोशिश चल रही थी, हालांकि सरकार भारी विरोध के बाद उसे वापस 302 का मामला बनाया है। तो देखना होगा जो सुबोध कुमार का मामला, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार का मामला है, वो आगे कहां जाता है। अब दोनों जो है मुख्य आरोपी उनको एक तरीके से जमानत मिल गई है और जो बार बार बताया जा रहा था कि योगेश राज ही इसका मुख्य आरोपी है, लेकिन कोर्ट ने अब जो केस में है प्रशांत नट नाम के व्यक्ति को इसका मुख्य आरोपी बनाया है। तो देखना होगा जो उनकी पत्नी कह रही हैं उनकी बात, रजनी सिंह जो कह रही हैं कि अब जो न्याय प्रणाली पर सीधे तौर पर सवाल है, इस पर अब जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या प्रतिक्रिया देती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी और इस मामले में आगे क्या बढ़ोतरी होती है उस पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे। लगातार इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल Access24 को सब्सक्राइब कर लीजिए।